गाइस, अगर आपके शॉर्ट वीडियोस पर जीरो व्यूज आ रहे हैं या फिर 1K 2K व्यूज आने के बाद में रुक रहे हैं, तो अगर आप अपने शॉर्ट वीडियो का SEO कर दोगे तो आपके शॉर्ट्स पर भी मिलियन में व्यूज आ सकते हैं। एंड यार, प्रूफ के लिए आप मेरे इस वाले शॉर्ट वीडियो को देखो, इस पर टोटल व्यूज है 10 मिलियन। एंड आज भी इस पर 48 आवर में 100K से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर जो है यूट्यूब सर्च से व्यू आ रहा है। एंड YouTube सर्च से व्यू आने की वजह से मेरा ये वाला वीडियो शॉर्ट फील्ड में जाकर वायरल हो रहा है। तो देखिएगा, इस शॉर्ट वीडियो का SEO करने के लिए हमें पहले टाइटल लिखना होगा, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन एंड उसके बाद में टैग्स। एंड देखिएगा, इस अगर मैं इस वाले शॉर्ट वीडियो में टैग्स नहीं लगाता तो ये मेरा शॉर्ट वीडियो इतना वायरल नहीं होता। तो यार, लास्ट वाले पॉइंट में बताऊंगा कि टैग्स क्या लगाने है, कैसे लगानी है, तो उस वाले पॉइंट को देखकर जरूर जाना। बट यार, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए हर बार की तरह लाइक। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको YouTube शॉर्ट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो गाइस, शॉर्ट वीडियो का SEO करने से पहले आपको जो है शॉर्ट वीडियो को सही तरीके से अपलोड करना आना चाहिए। तो देखिए गाइस, अपलोड करने के लिए आपको जो है प्लस आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको क्रिएट अ शॉर्ट पर क्लिक ना करके अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करना है। ऐसा क्यों करना है, इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा, तो वीडियो में आगे आप बने रहे। उसके बाद में वीडियो को जो है सिलेक्ट करना है, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद में दोबारा से जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद में ये थोड़ा सा जो है लोडिंग लेगा। उसके बाद में देखिएगा, ना तो आपको जो है यहाँ पर टाइटल लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, आपको ओनली अनलिस्टेड में अपलोड शॉर्ट पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको जो है अपने बाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन को निकालना है, और कंटेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको अपना शॉर्ट वीडियो यहां पर दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको जो है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको जो है पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद में सबसे पहले नंबर पर आता है टाइटल। तो देखिए गाइस, आपको टाइटल क्या लिखना है, यही तो मेन चीज है, आप वीडियो में आगे बने रहे। अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आपके शॉर्ट्स वायरल नहीं होंगे। तो देखिए गाइस, टाइटल में सबसे पहले जो है आपको अपने शॉर्ट वीडियो का एक क्लिकबेट टाइटल लिखना है। कैसे लिखना है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने अपने शॉर्ट वीडियो का टाइटल लिखा है, पुलिस वाले ने की गंदी हरकत। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए गाइस, जब भी कोई बंदा यूट्यूब चलाता है तो उसके होम पेज पर कुछ इस तरीके से शॉर्ट वीडियो शो होते हैं। एंड जिस वीडियो का टाइटल जो है क्लिकबेट होता है, देखने वाला उसी पर क्लिक करके देख लेता है। तो ये SEO नहीं है, इसके आगे जो करेंगे वो SEO है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो है इसमें एक इमोजी लगा देना है, तो मैं जल्दी से लगा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ से जो है अपने शॉर्ट वीडियो का मेन SEO स्टार्ट होता है। उसके बाद में सिंपली आपको जो है डंडा लगा देना है। उसके बाद में देखिए गाइस, मैं अपने मस्त पैक चैनल पर डालता हूँ स्टोरी टाइप के शॉर्ट्स, तो मेरा टाइटल क्या होगा, इमोशनल स्टोरी, यही SEO है, आगे आपको पता चलेगा। अब देखिए गाइस, अगर आप कॉमेडी शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपको लिखना चाहिए कॉमेडी शॉर्ट्स, या फिर कॉमेडी वीडियो, तो मैं लिख दूंगा इमोशनल स्टोरी, तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने लिख दिया है। अब गाइस, मैं क्या करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर सिंपली एक जो है डंडा आसानी से लगा दूंगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके साथ में हैशटैग शॉर्ट्स भी लिखना है। तो जैसे कि मैंने लगा दिया है, अब अपने टाइटल का काम जो है खत्म हो चुका है। एंड अगर आप चाहते हैं तो हैशटैग शॉर्ट्स की जगह हैशटैग बाइटी शॉर्ट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन सही तरीके से लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने पूरे टाइटल को कॉपी करना है, हैशटैग को भी कॉपी करना है। उसके बाद में कॉपी करने के बाद में डिस्क्रिप्शन में आना है। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको अपने टाइटल को जो है पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया है। उसके बाद में क्या करना है, यही तो मेन चीज है, अगर आप वीडियो को आज यहाँ पर छोड़कर चले गए तो सच में आप जो है पछताने वाले हो, क्योंकि अगर आप अपने शॉर्ट का SEO नहीं करोगे तो आपका शॉर्ट वायरल नहीं होगा। तो गाइस, टाइटल को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने के बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लाइन छोड़कर हैशटैग्स लगाने हैं। तो जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे ही आपको लगाना है, नहीं तो आपके जो है शॉर्ट का SEO नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको लगाना है हैशटैग शॉर्ट्स, उसके बाद में आपको लगाना है हैशटैग बाइटी शॉर्ट्स,
उसके बाद में आपको लगाना है हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बाद में आपको लगाना है ट्रेंडिंग, उसके बाद में आपको लगाना है वायरल। तो देखिए गाइस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। उसके बाद में आपको लगाना है ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, उसके बाद में आपको लगाना है वायरल शॉर्ट्स, उसके बाद में देखिए गाइस आपको क्या करना है। अब इतने तो जो है मेन हैशटैग्स हो गए, अब आपको अपने चैनल का हैशटैग लगाना है। तो मेरे चैनल का नाम है मस्त फैक्ट, जो कि मेरा कॉपी पेस्ट वाला चैनल है, तो मैं जो है सिंपली उसका भी हैशटैग लगा देता हूँ। उसके बाद में देखिए गाइस आप जिस टाइप के शॉर्ट्स बना रहे हो उस कैटेगरी में जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल के नाम का हैशटैग आपको जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज अ हैशटैग लगाना है। तो मैं जो है जल्दी से लगा देता हूँ। तो मैं लगाऊंगा फैक्टो महेश, क्योंकि मेरे कैटेगरी में फैक्टो महेश का भी बहुत बड़ा चैनल है। एंड उसके बाद में जो है आप और भी यार बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल का हैशटैग भी लगा सकते हो, इससे भी फायदा होता है। जैसे कि मिस्टर इंडियन हैकर, क्रेजी एक्स वाई जेड एंड काफ़ी सारे बंदे इनके चैनल के नाम के हैशटैग को लगाते हैं। तो देखिए गाइस अब अपना हैशटैग का काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो अपने सोशल मीडिया का लिंक्स भी डाल सकते हैं, वैसे मैं शॉर्ट वीडियोस में डालता नहीं हूँ, आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स लिखने होंगे। क्यों लिखने होंगे? क्योंकि देखिए गाइस जब भी कोई बंदा, जैसे आपका कॉमेडी शॉर्ट है, तो जब कोई बंदा यूट्यूब पर सर्च करेगा कॉमेडी वीडियो, न्यू कॉमेडी, कॉमेडी शॉर्ट्स, तो आपका शॉर्ट वीडियो अगर सर्च में आ जाता है तो सर्च में आने की वजह से अगर कोई बंदा उसको देखता है तो यूट्यूब उसको और ज़्यादा शॉर्ट फीड में भेजकर वायरल करता है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए गाइस जो मेरी कैटेगरी के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स थे उनको जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसे कि फैक्ट्स, फैक्ट्स वीडियो, न्यू फैक्ट, स्टोरी वीडियो, न्यू स्टोरी, सैड स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, वेट फॉर एंड स्टोरी इन हिंदी। अब इसकी जगह आप अगर जो है कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी शॉर्ट्स, तो आप लिख सकते हैं न्यू कॉमेडी, कॉमेडी शॉर्ट्स, कॉमेडी वीडियो इस तरीके से, वेट फॉर एंड फनी वीडियो इस तरीके से आपको जो है लिख देना है। इससे आपका शॉर्ट सर्च में जाएगा और वायरल होगा। तो गाइस अब बताती है टैग्स की, एंड टैग्स से ही आपके शॉर्ट वायरल होंगे। तो उन्हें लगाने के लिए आपको जो है बैक करना है, उसके बाद में आपको जो है टैग्स में मोर ऑप्शन पर क्लिक करके आ जाना है। अब आपको जो है पहला टैग लगाना है अपने चैनल का नाम, तो मैंने भी लगा दिया है। उसके बाद में आपने जिन यूट्यूबर्स के चैनल के नाम का हैशटैग लगाया था उनके चैनल का नाम टैग्स में भी लगाना है। तो मैं जल्दी से लगा देता हूँ, जैसे कि मिस्टर, अब देखिए मिस्टर इंडियन हैकर भले मेरी कैटेगरी के नहीं है लेकिन उनके चैनल के नाम को बंदे सर्च करते हैं, वहाँ पर मेरा वीडियो जाता है और वायरल होता है, तो मैं लगाऊंगा। तो उसके बाद में मैं लगाऊंगा क्रेजी एक्स वाई जेड। अब आप बोलोगे यार कि आप जो है क्रेजी एक्स वाई जेड का क्यों लगा रहे हो? तो देखिए गाइस यूट्यूब पर जितने भी फैक्ट चैनल हैं वो क्रेजी एक्स वाई जेड और मिस्टर इंडियन हैकर के चैनल का हैशटैग और टैग लगाते ही है। आप किसी के भी चैनल पर जाकर देख सकते हो, तो यार इससे शॉर्ट वायरल होता है। उसके बाद में आपने जो हैशटैग लगाए थे कौन कौन से वो आप देखिए ध्यान से, इनको जरा ध्यान से देखना जो टैग्स मैं लगा रहा हूँ, एंड यूट्यूब ऑफिशियली इनको बताता है। तो आपको जो है शॉर्ट्स, जैसे कि मैंने लगा दिया है बाइटी शॉर्ट्स, मैं जो जो लगा रहा हूँ उनको आपको अपने शॉर्ट के टैग्स में लगाना है। उसके बाद में यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बाद में ट्रेंडिंग, उसके बाद में वायरल, उसके बाद में ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, उसके बाद में वायरल शॉर्ट्स, एंड देखिए गाइस अब इतने जो है जो मैंने अपने कीवर्ड थे, जो मैंने टैग थे वो लग गए। उसके बाद में आपने टैग्स में जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स लगाए थे उनको लगाना है। तो देखिए गाइस मैंने जो है अपनी कैटेगरी के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स अपने टैग्स में लगा दिए है, जैसे कि स्टोरी, स्टोरी वीडियो, न्यू स्टोरी, सैड स्टोरी, इमोशनल स्टोरी और फैक्ट्स, जो कि अपनी कैटेगरी है। तो आपको भी जो है इस तरीके से लगा देना है अपने शॉर्ट की कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपके कॉमेडी शॉर्ट्स हैं तो आपको कॉमेडी फनी से रिलेटेड जो है लगानी है, अगर आपकी अलग कैटेगरी के मोटिवेशन से रिलेटेड है तो आपको मोटिवेशन से रिलेटेड लगानी है। अब देखिए गाइस आप अपने शॉर्ट वीडियो का एसईओ तो कर लोगे, लेकिन अगर उसको गलत टाइम पर अपलोड करोगे तो आपका शॉर्ट वायरल नहीं होगा। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट वीडियो को अपलोड करने का सही टाइम क्या है, तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके फुल वॉच कर लेना,